साथ अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं फ्रांसिस बेकन के और कुछ शेक्सपियर के। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, फ्रांसिस बेकन पे हमने लास्ट टाइम काफी बात की, तो इसमें यह था कि ये सर फ्रांसिस बेकन हैं, चूंकि इनको नाइटहुड भी दी गई थी, तो ये एक नोटेबल पॉइंट था इनका। जेम्स फर्स्ट जो था उसने इनको नाइटहुड दी थी, उसके सेशन में इनको मिली थी। और साथ ही साथ क्या था कि फिर ये क्या हुआ, अच्छा 1603 में प्रॉबेबली इनको नाइटहुड दी गई, और फिर 1625 में जेम्स फर्स्ट के ही दौर में इनको लॉर्ड चांसलर की जो पोजिशन पोजिशन थी उससे हटा दिया गया। रीजन क्या थी कि करप्शन, कहा गया था कि ये करप्ट हैं, ब्रेबरी वगैरह में इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इनको फिर इनकी पोजीशन से हटा दिया गया। और अलेक्जेंडर पोप हमारे एक बड़े फेमस पोएट्री राइटर हैं, तो ये बिकन के बारे में अपना व्यू ही देते हैं। ये कहते हैं कि बिकन इज द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये अलेक्जेंडर पोप का पूछा भी गया था पेपर में कि किसने ये बिकन के बारे में कहा है कि बिकन इज द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो ये कहते हैं कि राइटिंग में या लिखने वगैरह में इनकी जो सारी टेक्निक्स है उसमें तो ये बड़े एक टॉप हैं, लेकिन ये अगर रिलेशनशिप में इनको देखा जाए तो ये एक इंतहाई मीनेस्ट किस्म के बंदे थे। फिर इनके बारे में एक और भी जो बात काफी ज्यादा फैली हुई थी वो ये थी कि ये इलिजिटिमेट सन थे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के, इनको ये भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट थे चंद फ्रांसिस बेकन के बारे में और कुछ शेक्सपियर के बारे में पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब फ्रांसिस बेकन के पॉइंट के बाद अब विलियम शेक्सपियर के कुछ दो चार पॉइंट्स थे। जी बी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने, बर्नार्ड शाह ने भी विलियम शेक्सपियर को एक के लिए स्पेसिफिकली इसने एक टर्म कॉइंट की थी, बर्डोलेट्री, इसको कहा जाता है बर्डोलेट्री। अब ये टर्म इसने विलियम शेक्सपियर के लिए कॉइंट की थी, और ये वो लोग होते हैं बर्डोलेटर, वो लोग होते हैं जो शेक्सपियर को आइडियलाइज करते हैं। इसके अलावा शेक्सपियर के अगर हम डिस्गाइज प्ले की बात करें, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि शेक्सपियर के डिस्गाइज प्लेस कौन से हैं, जिनमें कोई करेक्टर, प्रोमिनेंट करेक्टर होता है जो वो खुद को डिस्गाइज कर देता है, कोई दूसरा रूप ले लेता है, तो वो 12th नाइट है, ऑल इज वेल एंड इज दैट एंड इज वेल है, द मर्चेंट ऑफ वीनस है, और किंग लियर है। इन सारे प्लेस में हम देखते हैं कि थीम ऑफ डिस्गाइज हमें मिलती है। इसके अलावा जो हमारे पास जॉन रस्किन है, क्रिटिक हैं, ये शेक्सपियर के बारे में व्यूज देते हैं कि शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस बट नो हीरो। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है इसके बारे में कि किसने शेक्सपियर के बारे में कहा था कि शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस बट नो हीरो, तो दैट वाज जॉन रस्किन हु कमेंट अबाउट शेक्सपियर। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन।